नमस्कार दोस्तों, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा व्हाट इज पॉइंटर एंड व्हाट इज द हाउ इट इज टू बी यूज्ड, व्हाट आर द फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ द पॉइंटर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंटर। टाइप्स ऑफ पॉइंटर इज एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन हाउ दे आर यूज्ड इन अ प्रोग्राम। देर आर डिफरेंट पॉइंटर्स आर देयर, बट ये किस पर डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से इसको प्रोग्राम में यूज किया जाता है। देर आर नल पॉइंटर, डांचलिंग, जेनरिक और वॉइड पॉइंटर, वाइल्ड, नियर, ह्यूज एंड फार पॉइंटर्स आर देयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड फर्स्ट पॉइंटर, दैट इज नल पॉइंटर। आपको पता है कि जब हम पॉइंटर यूज करते हैं तो पॉइंटर इज नथिंग बट इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। अब नल पॉइंटर का मतलब है कि पॉइंटर जो कुछ भी वैल्यू को कंटेन नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं नल पॉइंटर इज अ पॉइंटर विच पॉइंट्स नथिंग। नल पॉइंटर इज अ पॉइंटर विच पॉइंट्स नथिंग, मतलब पॉइंटर तो आपका वैलिड है लेकिन वो किसी चीज को इंडिकेट नहीं कर रहा है। जनरली पॉइंटर क्या इंडिकेट करता है? किसी एड्रेस को। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, ये अगर जैसे सपोज अगर आपको ऐसी प्रोग्रामिंग करनी है, यू डोंट नो कि जो वेरिएबल है हम किस वेरिएबल के एड्रेस को असाइन करना चाहते हैं, बट आप पॉइंटर भी उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप नल पॉइंटर यूज करते हैं। जैसे अगर यूजर डोंट हैव एन एड्रेस टू बी असाइन टू पॉइंटर, देन वी कैन यूज नल वैल्यू। तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर सिंपली अगर एक प्रोग्राम देखते हैं इस नल पॉइंटर के लिए। एक्चुअली नल पॉइंटर का मतलब हुआ कि मेरे पास क्या है, वैल्यू है, ठीक है। सपोज मैंने एक पॉइंटर पीटीआर डिफाइन किया, ठीक। अब जो ये पॉइंटर आपने डिफाइन किया ना, इस वैल्यू को मैंने कह दिया नल इन कैपिटल लेटर। तो अब जो पीटीआर वैल्यू होगी वो पॉइंट क्या करेगी, नथिंग। इस ये जो पॉइंटर पीटीआर नेम का बना, ये क्या करेगा, किसी भी एड्रेस को कंटेन नहीं करेगा और ना ही किसी वैल्यू को कंटेन करेगा। इसका मतलब हुआ कि आप जनरली क्या यूज करते हो कि पीटीआर, इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू एट पीटीआर, या कह सकते हो कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का आपको वैल्यू फाइंड आउट होता। जैसे अगर मैंने इंटीजर ए किया होता तो इंटीजर ए और इसको एड्रेस दिया होता एड्रेस ऑफ ए, तो क्या हो जाता यहाँ पर उसका एड्रेस। तो पॉइंटर अगर मैं एस्ट्रिक पीटीआर यूज करती तो इट मींस व्हाट, कि ये वैल्यू क्या कंटेन करता, एड्रेस। लेकिन नल पॉइंटर का मतलब है विच पॉइंट्स नथिंग, ये किसी भी वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहा है। अगर हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम यूजिंग नल पॉइंटर, वैल्यू तो आपकी कंटेन कर रहा है, पॉइंटर इज वैलिड, लेकिन ये सपोज इसके जीरो कंटेन कर रहा है। जीरो इज एक्चुअल द वैल्यू, बट यहां क्या कर रहा है कि नल पॉइंटर का मतलब हुआ कि कहीं पर भी वो पॉइंट नहीं कर रहा, किसी भी एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा। तो उसके लिए अगर हम एक सिंपल प्रोग्राम चेक करते हैं, हैश इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच इंटीजर ऑफ मेन, इससे आपने पॉइंटर डिक्लेयर किया लेकिन ये पॉइंटर इनिशियलाइज किया, यहां तो आपने डिक्लेयर किया, इक्वल टू में आपने इसे जब इनिशियलाइज किया तो वैल्यू दे दी नल, तो नाउ इट बिकम्स एज एन नल पॉइंटर। अब जब आप यूज करोगे इसे, द वैल्यू ऑफ पीटीआर इज मॉड्यूल यू भी आप लिख सकते हैं या मॉड्यूल एक्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए होगा, ये इसका एड्रेस चाहिए होगा, है ना, तो इसलिए ये मॉड्यूल यू हो गया। बट अब रिटर्न जीरो करके जब आप इस वैल्यू को चेक करोगे तो आपका आउटपुट, इस वैल्यू के लिए आउटपुट क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ पीटीआर विल बी व्हाट इज जीरो।
नल पॉइंटर जब हम डिफाइन करते हैं तो जो वैल्यू हो जाती है, पॉइंटर इज वैलिड बट इट पॉइंट्स नथिंग, ये किसी भी पॉइंटर को पॉइंट नहीं करेगा. और जनरली इट इज यूज्ड जब हमें नहीं पता हो कि कौन से पर्टिकुलर वैल्यू को हमें यूज करना है. नाउ नेक्स्ट पॉइंटर है हमारा डैंजलिंग पॉइंटर. डैंजलिंग पॉइंटर इज अ नॉन एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन. ये पॉइंट करता है जब मेमोरी हमारी डीएलोकेट हो जाती है, या इस डैंजलिंग पॉइंटर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि व्हेन अ पॉइंटर पॉइंट्स टू अ डिलीटेड वेरिएबल और डीएलोकेटेड मेमोरी, द पॉइंटर इज नोन एज डैंजलिंग पॉइंटर. इसका मतलब हुआ सपोज मैंने एक पॉइंटर वन सपोज क्रिएट किया, ठीक है, और ये पॉइंट कर रहा है हमारे ऑब्जेक्ट वन या वेरिएबल वन को. नेक्स्ट एक पॉइंटर टू क्रिएट किया मैंने, और नेक्स्ट वो क्या क्रिएट कर रहा है, ऑब्जेक्ट टू को. ये पॉइंट कर रहा है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट टू को. एक और पॉइंटर लिया हमने पॉइंटर थ्री, ये पॉइंटर थ्री एक ऑब्जेक्ट को कर रहा है बट वो ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है. और यू कैन से ये पॉइंट कर रहा है डिलीटेड ऑब्जेक्ट को. तो जो पॉइंटर थ्री हो गया वो क्या बन गया अब हमारा, डैंजलिंग पॉइंटर. यू नो कि पॉइंटर हमेशा क्या होता है, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है ना. तो पॉइंटर वन किसी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर टू किसी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है या उस पर्टिकुलर वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, ठीक है. लेकिन जो पॉइंटर थ्री है हमारा वो क्या हो रहा है, आपके एक ऐसी वैल्यू को कर रहा है जो पहले से डिलीट हो चुकी है, तो उस डिलीटेड ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है. तो नाउ क्योंकि पॉइंटर अब कुछ भी नहीं कर रहा है, किसी भी वैल्यू को क्या कर रहा है, एक डिलीटेड ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसलिए ये क्या बन गया, डैंजलिंग पॉइंटर. इसे एक प्रोग्राम से समझते हैं. सपोज हमने हैश इंक्लूड इंटीजर मेन एंड नेक्स्ट इंटीजर पॉइंटर PTR इक्वल्स टू, यहाँ हम मेमोरी एलोकेशन से अपना एक मेमोरी एलोकेट करते हैं, ठीक है, मेलॉक फंक्शन से. मेलॉक फंक्शन से हमने करा साइज ऑफ इंट, क्योंकि पॉइंटर का अपना कोई साइज नहीं है, हमने यहाँ पर मेमोरी से एलोकेट कर दी. नेक्स्ट वाले में हमने क्या करा, एक वैल्यू दिया PTR की, वैल्यू सपोज एड्रेस ऑफ ए प्रोवाइड किया और फ्री कर दिया PTR को. फ्री फंक्शन से हमने इसे फ्री कर दिया और रिटर्न जीरो कर दिया. अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ये चेकआउट कीजिए कि फर्स्ट वैल्यू में जब आपने करा ये वैल्यू, इससे क्या हुआ, अगर मैं इसे एक्सप्लेनेशन में देखूं इस प्रोग्राम के, तो हमारे पास क्या हुआ, इंटीजर पॉइंटर PTR, PTR को आप डिक्लेयर कर रहे हो, उसका साइज डिक्लेयर कर रहे हो. मेलॉक फंक्शन इज यूज फॉर द मेमोरी एलोकेशन, आप मेमोरी एलोकेट कर सकते हो मेलॉक फंक्शन से, ठीक है. तो आपने साइज ऑफ इंट किया, तो जैसे ही आपने PTR एलोकेट करा तो इस टाइम क्या हुआ आपका, ये आपका PTR, अब आपका जो PTR वैल्यू थी वो एलोकेट हो गई साइज ऑफ इंट. तो यहाँ 2 बाइट की मेमोरी आपकी एलोकेट हो गई विद द हेल्प ऑफ मेलॉक फंक्शन. अब नेक्स्ट क्या करा, a इक्वल्स टू 100 किया, a वैल्यू दी एक वेरिएबल और उसकी ये लोकेशन हो गई. अब इस वैल्यू को आपने इनिशियलाइज किसे किया है, 100 से, तो 100 इज द वैल्यू. अब नेक्स्ट लाइन में क्या किया, PTR इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए मतलब अगर सपोज इसका एड्रेस था मेरा FCX5, सपोज ये जो एड्रेस था वो अब PTR कंटेन करने लगा इस पर्टिकुलर लाइन से FCX5. फ्री PTR का मतलब हुआ यहाँ हम फ्री फंक्शन यूज कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए फंक्शन, मेमोरी डी एलोकेट, ठीक. तो मेमोरी यहाँ से डी एलोकेट हो गई, मतलब मेमोरी को हमने डिलीट किया उस वेरिएबल. तो PTR एक्चुअल में क्या स्टोर कर रहा था, आपका ए का एड्रेस,
अब हमने क्या करा, जो ये वैल्यू थी a ऑफ दिस, इसे मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इस ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर दिया, ये ऑब्जेक्ट और वेरिएबल इसे डिलीट कर दिया, और ये जो मेमोरी एलोकेट हुई थी इस मेमोरी को भी हमने क्या कर दिया, डी एलोकेट कर दिया यूजिंग फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन लेकर के हमने इसे भी डी एलोकेट कर दिया। अब जब ये डी एलोकेट हो गई, ऑब्जेक्ट भी डी एलोकेट हो गया, तो एट दैट मोमेंट क्या हुआ, जो आपका पीटीआर था पॉइंट क्या कर रहा है, ए को पॉइंट कर रहा था, और यहां पर अब कुछ भी नहीं है, तो अब ये क्या करेगा, पीटीआर एक डिलीटेड ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। इट मीन्स व्हाट, वो एक नॉन एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन को, एक नॉन एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। सो नाउ पीटीआर बिकम्स डैंचलिंग पॉइंटर, ये डैंचलिंग पॉइंटर बन जाएगा, और इस डैंचलिंग पॉइंटर की वजह से प्रोग्राम में आपके एरर आ सकती है। तो दिस इज द मेन बग फॉर अराइजिंग फ्राई द डैंचलिंग पॉइंटर। अब इसे आप अगर इस पॉइंटर की वैल्यू को, अगर मुझे क्या करना है, डैंचलिंग पॉइंटर नहीं बनाना है, सिंपल तो क्या था कि आपने पॉइंटर को एलोकेट की मेमोरी, और उसके बाद फ्री करके डी एलोकेट कर दिया, मतलब मेमोरी को डिलीट कर दिया। तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर पीटीआर अब किसी भी मेमोरी को क्या कर रहा है, रेफरेंस नहीं दे रहा है, ठीक। तो हमारा डैंचलिंग पॉइंटर बन गया, सो दैट देयर इज अ एरर। अब इस एरर को रिमूव करने के लिए एक सिंपल सा वे है कि आप क्या करो, जब आपने फ्री पीटीआर कर दिया, ठीक है, तो इसके बाद आप एक सिंपल सी लाइन लिख दो कि पीटीआर इक्वल्स टू नल। नल पॉइंटर अभी हमने पढ़ा ना, तो पीटीआर इक्वल्स टू नल, अभी भी मेरा पीटीआर एक डिलीटेड ऑब्जेक्ट को कर रहा था, लेकिन जैसे ही पीटीआर इक्वल्स टू नल हो जाएगा तो देन दिस विल प्रोग्राम रन। अब पीटीआर एक ऐसी वैल्यू को रेफरेंस कर रहा है जिसकी वैल्यू जीरो है, तो जीरो इज एक्चुअली द वैल्यू ना, अभी तो ये नथिंग को कर रहा था, मतलब पीटीआर अभी किसी पर्टिकुलर डिलीटेड या नॉन एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन को कर रहा था, तो जिससे आपके डैंचलिंग पॉइंटर का जो ड्रॉबैक है वो आपका रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंटर है हमारा जेनेरिक और वॉइड पॉइंटर। तो जेनेरिक और वॉइड पॉइंटर का मतलब होता है कि एक्चुअल में जो वॉइड पॉइंटर है जनरली, वॉइड मीन्स व्हाट, नथिंग, तो इट डज नॉट हैव एनी स्टैंडर्ड डेटा टाइप, कोई स्टैंडर्ड डेटा टाइप नहीं मिल है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, वॉइड पॉइंटर यूज कर सकते हो। तो जब वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना है तो हम कीवर्ड वॉइड यूज करेंगे। void कीवर्ड यूज करके आप जेनेरिक और void पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हो। एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो पॉइंटर है, एक्चुअल में ये इट इज अ वैलिड पॉइंटर, बट आपके पास क्या हो रहा है, कोई एक स्टैंडर्ड डेटा टाइप नहीं है, तो हम क्या करते हैं, और इट कैन बी यूज टू स्टोर ऑफ द एड्रेस, ये स्टोर तो करेगा एड्रेस, लेकिन क्या होगा, इसका कोई स्टैंडर्ड डेटा टाइप नहीं होगा। तो अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, stdio.h ले रहे हैं, और एक हमने ले लिया इंटीजर ऑफ मेन, नेक्स्ट वॉइड पॉइंटर p करा, और इस पॉइंटर p को सपोज हमने नल दे दिया। आप वैल्यूज भी प्रोवाइड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वॉइड पॉइंटर में हम कोई एड्रेस नहीं प्रोवाइड कर सकते, वॉइड पॉइंटर में आप एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नाउ इट इज वॉइड पॉइंटर। यहाँ ये वॉइड पॉइंटर इसलिए है बिकॉज आपके पास क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पर आपने पॉइंटर का जो डेटा टाइप डिक्लेयर करा है, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड डेटा टाइप, आपने वॉइड यूज करा है, तो इसलिए आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई, एज अ वॉइड पॉइंटर। अब जब आप इसका इसके आउटपुट के लिए यूज करेंगे द साइज ऑफ द पॉइंटर इस मॉड्यूल डी, और आप यहाँ पर साइज ऑफ पी जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास साइज क्या आएगा, इसका जो साइज आएगा आउटपुट इसके लिए जेनेरिक पॉइंटर के लिए, साइज ऑफ द पॉइंटर विल बी 2, जो आपके मॉड्यूल डी का साइज है।
तो void pointer is nothing but it is not having any standard data type. Otherwise it contains the address or otherwise it can use just as a simple pointer. Next pointer is wild pointer. Wild pointer का मतलब अगर आपने किसी pointer को initialize नहीं किया, मतलब value provide नहीं करी, तो उसे कहते हैं आप wild pointer. A pointer that has not been initialized, or you can say it gives the random memory location, then it is called as a wild pointer. अगर simple programming में देखें, hash include, stdio.h simple किया, main, और एक pointer p किया, but यहाँ हमने इसे कोई भी value assign नहीं करी, और फिर करा, printf कर दिया, और pointer of p, तो ये value क्या देगा? Value of p, but यहाँ जो आपका pointer है, वो किसी भी value को, किसी भी address को क्या कर रहा है, आपके पास इसके लिए कोई pointing value नहीं है. So that जो आपका output आएगा wild pointer के लिए simply कोई random output आ जाएगा. Maybe possible यहाँ होगा time out और something कोई day reference locations will be there. तो wild pointer का मतलब है ये भी एक error provide करता है. It is just like जब Darjeeling pointer में तो हमारा deallocated object पे हो रहा था और यहाँ हमने initialize करना ही हम भूल गए. Initialize नहीं किया हमने. तो आपका pointer address नहीं बता सकता उस particular object की. तो यहाँ आपके पास there will be an error और इस error को remove करने के लिए आपने simple एक coding करनी पड़ेगी. Hash include आप बिल्कुल same करेंगे. मेन फंक्शन आपने कॉल कर लिया. अब जब आप इंटीजर पॉइंटर p इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, एट दैट मोमेंट आपने सपोज एक इंटीजर a इक्वल्स टू 5 दे दिया और इसको एड्रेस ऑफ a प्रोवाइड कर दिया और फिर से आप प्रिंटिव स्टेटमेंट आप लिख ले रहे हैं. तो एक्चुअल में यहाँ क्या हुआ, ये जो एरर आ रही थी यहाँ पॉइंटर p इनिशियलाइज नहीं था, यहाँ हमने इसको एक एड्रेस ऑफ a प्रोवाइड कर दिया. नाउ द वाइल पॉइंटर बिकम्स एज अ सिंपल पॉइंटर विच गिव्स द एड्रेस. तो वाइल पॉइंटर में की जो एरर आती है उसको रिमूव करने के लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दें. तो आपके पास वाइल्ड पॉइंटर की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी, कोई पर्टिकुलर एड्रेस हो जाएगा. नेक्स्ट इज नियर पॉइंटर. नियर पॉइंटर इज एक्चुअली पॉइंट्स ओनली द 64 KB ऑफ डेटा सेगमेंट. मीन्स जब आप मेमोरी में एलोकेट करते हैं वैल्यूज को ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी में, तो नियर पॉइंटर क्या करता है, एलोकेट मेमोरी करता है और नियर पॉइंटर का एक्चुअल साइज इज ऑलवेज एज एन 2 bytes. इसका साइज क्या हो जाता है, 2 bytes. तो जब आप नियर पॉइंटर यूज कर रहे हैं, इट मीन्स वो आपको साइज प्रोवाइड कर रहा है, इट इज ओनली ऑफ द 2 bytes और 16 bit यू कैन से. तो अगर इसका एक एग्जाम्पल देखें, आपने क्या करा, वैल्यू एक प्रोवाइड की, वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. अब इसे नियर पॉइंटर को हमें जब डिक्लेयर करना होगा तो हम सिंपल NEAR नियर कीवर्ड यूज करते हैं. इस नियर पॉइंटर को हमने एड्रेस दिया x का, ठीक है. तो एड्रेस जब हमारे पास x का आया तो जब हम साइज ऑफ ptr यूज करेंगे तो इसका आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, 2. साइज ऑफ ptr इज व्हाट, तो दिस, तो इससे हमारा साइज ऑफ द पॉइंटर इज दिस वन. ये आपका नियर पॉइंटर. एंड नेक्स्ट वन इज योर फार पॉइंटर. फार पॉइंटर इज व्हाट, विच कैन पॉइंट द रेजिडेंस ऑफ द मेमोरी ऑफ द रैम. फार पॉइंटर क्या करता है, विच कैन एक्सेस होल द रेजिडेंस ऑफ द मेमोरी. तो फार पॉइंटर इज जो साइज ऑफ द फार पॉइंटर है, ये है आपका 4 byte का, मतलब 4 byte की मेमोरी एलोकेट होगी. या साइज ऑफ द फार पॉइंटर अगर आप पॉइंट आउट करोगे तो दैट इज ऑफ द 4 byte और यू कैन से 32 bit. और फार पॉइंटर को आप फार कीवर्ड से यूज कर सकते हो. फार कीवर्ड आपने लिखा, पॉइंटर ptr लिखा, तो ptr को एड्रेस दे दिया हमने किसका, एक वेरिएबल x इंटीजर टाइप का. तो जब इसका आउटपुट आप चेकआउट करोगे तो फार पॉइंटर के लिए कंपाइलर डिपेंडेंसी है, तो आपका इंटीजर था इवन, लेकिन फार पॉइंटर का साइज 4 byte का है, तो आपका इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 4. एंड नेक्स्ट वन इज योर ह्यूज पॉइंटर. ह्यूज पॉइंटर आपका ऑल टोटल एक्सेस करता है मेमोरी के लिए, विच कैन होल्ड रेजिडेंस ऑफ द मेमोरी, मतलब टोटल सेगमेंट्स को, ये टोटल सेगमेंट्स को पॉइंट कर सकता है, किसी भी सेगमेंट को पॉइंट कर सकता है. और ये क्या करता है,
होल टोटल 16 सेगमेंट्स को कर सकता है। और इसका जो साइज है, साइज ऑफ द यूज पॉइंटर के लिए, ये वैल्यू आपके आ रही है 4 बाइट के लिए। ठीक, तो यहाँ नेक्स्ट अगर हम इसके लिए देखेंगे एक सिंपल सा प्रोग्राम stdio.h में, अब यहाँ हमने यूज कीवर्ड यूज करा है। फार और नियर के लिए हमने फार और नियर कीवर्ड यूज किया था, यहाँ आप ह्यूज कीवर्ड यूज कर रहे हो। सिंपल आपने फार पॉइंटर लिया और दिस, जब इसका आउटपुट आप चेक करोगे तो साइज ऑफ पी, तो साइज ऑफ पी इज व्हाट, ये वैल्यू आपकी क्या है, ह्यूज पॉइंटर है। एक्चुअली इसके लिए साइज ऑफ पी इज द ह्यूज पॉइंटर, एंड साइज ऑफ पॉइंटर ऑफ पी, ये वैल्यू क्या है आपकी, फार पॉइंटर। और ये वैल्यू आपकी क्या डिनोट कर रहा है, इट इज अ कैरेक्टर टाइप डेटा वेरिएबल, ये कैरेक्टर टाइप डेटा वेरिएबल है। तो इसके रेफरेंस में आपका जो आंसर आएगा, ह्यूज पॉइंटर है, साइज 4 बाइट, तो आपके पास 4 वैल्यू। फार पॉइंटर, इसका साइज क्या है, 4, तो ये वैल्यू आपकी 4 आ गई। नेक्स्ट, साइज ऑफ द पॉइंटर ऑफ पॉइंटर, डी रेफरेंस कर रहे हैं फिर रेफरेंस कर रहे हैं, तो इट मींस व्हाट, कैरेक्टर टाइप डेटा वेरिएबल, तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू क्या होती है, 1, तो आंसर विल बी 1। थैंक यू।